करते करते अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर जितना भी खून है एक एक एम एल भी हलाल है। मैं हक पर था, हक पर रहूंगा। आपको कितने साल से आपको नोटिस बताई गई? नहीं बताई नोटिस, बताओ बोला तभी ना बता रही हूँ। वारंट मिला आपको? कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी कॉल नहीं आया, वारंट कुछ भी नहीं। घर में आप ही घर में? जी घर पर, मैं बाहर बैठे हुआ था, जैसा पुलिस वाले आती थी मैं लॉक कर लिया। अब घर में लॉक है आपकी? घर में लॉक हूँ। ओके, कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं आप? मैं मैसेज ये देना चाह रहा हूँ, चलिए मैं कुछ गलत बोला तो उसमें देख सकते हैं आप, मैं उनको रेस्पेक्ट से ही बात करा, सिर्फ आप टेररिस्ट है करके बोला उनको आप, और मैं कुछ इल्जाम नहीं लगा, ऑलरेडी उन्होंने जेल जा चुके हैं वो लास्ट केस में। इन्वेस्टिगेशन में है, उससे पूछताछ करना, उसको नोटिस देना है हमको। वीडियो उन्होंने अंदर से बना के भेजे के एमपी की पुलिस, यहाँ पर भोपाल की पुलिस, आप उनको अरेस्ट करने आए बोल के। ये मुझे जानकारी नहीं है कि उसने क्या वीडियो भेजा आपको। तो आप लोग सिर्फ नोटिस देने के लिए आए? बिल्कुल, हम लोग नोटिस देना है और उससे पूछताछ करने आए हैं। सर अरेस्ट वारंट भी लाए थे आप? नहीं, ओनली खाली नोटिस ले, नोटिस ले। अब अगर इमरान बाहर आते थे तो आप उनको एमपी ले जाते थे सर? नहीं, क्यों लेके जाएंगे भाई, उनको डर वही है कि मेरे को यहाँ से अरेस्ट करके ले जाने के लिए आए बोलते। नहीं, उनका डर अब उनकी है। फायर कौन करे आपको? आपकी थोड़ी हिंदी थोड़ी जरा वीक है। अच्छा, पिटीशन कंप्लेंट कौन दिया बोलो? आपको कंप्लेंट कौन दिया? कंप्लेंट आपकी तरफ से हुई है, एमपी मैडम की तरफ से हुई है। ओके सर, थैंक यू। राइट, मैं घर पर अकेला हूँ, आप लोग कुछ भी करिए, मैं बाहर आने वाला नहीं। आप लोग लेके जाते फिर फॉल्स केसेस बुक कर देते। आप और कौन से डिपार्टमेंट से आप वो बोलो मेरे को? कौन से पुलिस डिपार्टमेंट से आप? नाम बोलो आपका। हम पुलिस से ही हैं, ठीक है। हाँ, कौन सी पुलिस है आप? हैदराबाद पुलिस है, मेरे को भी मालूम, लेकिन कौन सी पुलिस है, कहाँ से है? ये कालर इमरान के ऊपर ये केस दर्ज हुआ भोपाल क्राइम ब्रांच से। वहाँ 17-21 तक तीनों फोन पे साध्वी प्रज्ञा भोपाल एमपी मैडम से तीनों बात करे, सो कंप्लेंट करा तो वो केस में आ गए। इसको 41 नोटिस देने के वास्ते पुलिस आ गए, मगर उन्होंने डर के हमको अरेस्ट करता है क्या है कि बोल के दरवाज़ा नहीं खोल रहा, वेट करते, उन्होंने कोऑपरेट नहीं करा तो फिर कोर्ट से वारंट लेके आ जा। सर अभी यहाँ पर पुलिस अरेस्ट करने आई है, सिर्फ नोटिस देने? सिर्फ नोटिस देने के वास्ते। ये फर्स्ट काला पत्थर पीएस को टच हुआ है, डायरेक्ट इसके घर पे? नहीं, पहले हमको इंटीमेशन लेके हमारा साथ आ लेके हमारा संगत वो लोगों के संगत हमारा पुलिस भी आ गया। और कुछ डाउट है तो सबसे बात कर सकते हैं। जो मतलब वहाँ वेरीफाई करें वारंट है या नोटिस? पूरा वेरीफाई करा है, एफआईआर कापी है, पूरा एवरीथिंग इज राइट। ओके, फिर अब क्या बोल रहा है? इमरान से बातचीत हुई आपकी? हम बाजू उन्होंने कोऑपरेट नहीं कर रहा। ओके, वो लोग बोल दिया, साहब लोगों को बोल दिया। अब क्या फिर ट्राई करते हैं? एफ आई आर किसके तरफ से हुई सर? भोपाल एमपी नाम शादी थोड़ा सा क्या नहीं नहीं ले लो सर, दो ऐसे तो मतलब आप आए ना सर वहाँ से? नहीं आप आए ना सर वहाँ से? हम बताएंगे ना, पहले हमारी वारंटी क्या पूछना चाह रहे हैं? अरे वारंट नहीं लाए सर आप, खाली नोटिस। एक मिनट सर, आप बोलने के कुछ नहीं। आप लोग एमपी से आए, इमरान के नाम का वारंट लेकर आए आप लोग? उससे पूछताछ करना, उसको नोटिस देना है हमको। ओके, वीडियो उन्होंने अंदर से बना के भेजे के एमपी की पुलिस, यहाँ पर भोपाल की पुलिस, आप उनको अरेस्ट करने आए बोल के। ये मुझे जानकारी नहीं है कि उसने क्या वीडियो भेजा आपको। तो आप लोग सिर्फ नोटिस देने के लिए आए? बिल्कुल, हम लोग नोटिस देना है और उससे पूछताछ करने आए हैं। सर अरेस्ट वारंट भी लाए थे आप? नहीं, ओनली खाली नोटिस ले। नोटिस? अब अगर इमरान बाहर आते थे तो आप उनको एमपी ले जाते थे सर? नहीं, क्यों लेके जाएंगे भाई, उनको डर वही है कि मेरे को यहाँ से अरेस्ट करके ले जाने के लिए आए बोल के। उनका डर अब फायर कौन करे आपको? आपकी थोड़ी हिंदी थोड़ी जरा वीक है। अच्छा, पिटीशन कंप्लेंट कौन दिया बोलो? आपको कंप्लेंट कौन दिया? कंप्लेनर कौन है सर? ये एमपी मैडम की तरफ से हुई है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। आप लोग देख रहे होंगे मेरे घर पर मध्य प्रदेश की और काला पत्थर की पुलिस आई हुई है और उनके साथ साथ एमआईएम के वर्कर्स आए हुए हैं। तो ये पुलिस वाले बोल रहे हैं ये एक भोपाल की एमपी प्रज्ञा ठाकुर का केस है बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग देखिए फिर ये भोपाल का केस है प्रज्ञा ठाकुर का, तो फिर एमआईएम के वर्कर्स क्यों आए? क्या ये प्लानिंग एमआईएम की नहीं, फिर प्रज्ञा ठाकुर के लिंक लगाकर मुझे फंसाने की?
आप लोग देख सकते हैं एनआईएम के वर्कर पुलिस के साथ मौजूद है। जब ये प्रज्ञा ठाकुर का केस है तो सिर्फ पुलिस रहना था मेरे घर पर, एनआईएम के लोकल वर्कर ये सब है, तो उसका मतलब साफ जाहिर होता है ये एनआईएम लिंक लगाकर प्रज्ञा ठाकुर के जरिए मेरे ऊपर केस बुक। आप क्या करें जो पुलिस आपके घर पर आई? जी मैं एक आप लोग देख रहे हैं, 3 डेज पहले मैं प्रज्ञा ठाकुर से बात करा था भोपाल के। क्या बातचीत हुई थी, थोड़ा शॉर्ट बताइए। बात उनसे यही हुई थी, उन्होंने हिजाब के मसले में बोले थे, हिजाब से मुसलमानों के घर में परेशानी है, हिजाब से मुसलमानों के घर में जो गैर गलत बयान दिए थे, तो मैं उनको जवाब दिया आप हिजाब की बात कर रहे हैं, आप तेरे मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी हो, 2008 का ब्लास्ट आपकी वो आरोपी हो, आप ऑलरेडी जेल जा चुके हैं, सिर्फ इतना ही बोला हूँ। आप टेररिस्ट है बोल के वहाँ पर कंप्लेन हुई बोल के? मैं टेररिस्ट मेरे अपने खुद ही से नहीं बोला हूँ, उनको हिंदुस्तान बोलता है टेररिस्ट पूरा, तो मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी हो। अभी आप क्या जा रहे हैं भाई, आप तो ये दिए थे हिजाब से ही मुसलमानों के घर में परेशानी है, उनको ही हिजाब से ही खतरा है, ये कुछ अला फला बोले लो उनकी प्रेजेंट ऐसा बोले लो, मुसलमान उनके शादी कर लेते हैं, मेरी बहन से ये गलत बातें बोले। अभी पुलिस वाले लेने के लिए आए आपको, तो आप ऐसा गेट लगा लीजिए अंदर, आप फेस क्यों नहीं कर रहे हैं उनको जाइए? केस इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैं, आप लोग देखे थे जब भी मैं फेस करा था, जब भी मेरे पर चोरी के केसेस एक्सटॉर्शन के केसेस डाले गए, जबकि एक भी केस मेरे से प्रूफ नहीं हो सकता हूँ। और इमरान अभी जो शादी आप जो फोन करे थे साधी प्रज्ञा ठाकुर को, अभी उनकी पोजीशन क्या है? तो भोपाल के एमपी है बीजेपी के। हाँ अब करे थे फोन आप? थैंक यू भाई, 3 डेज हुआ है फोन करके। आप बोलना क्या चाह रहे हैं, आपका क्या मैसेज है? मैं कह रहा हूँ जब ये प्रज्ञा ठाकुर का मसला है तो ये एनआईएम क्या कर रही है यहाँ पर, एनआईएम के वर्कर्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर, फिर एनआईएम के वर्कर्स आप देख सकते हैं गाली गलौज भी कर रहे हैं यहाँ पर, जबकि भोपाल के पुलिस वाले आए थे रेस्पेक्ट दे रहे हो, तो ये एनआईएम वाले क्यों